मालिके, किसी औरत की नजर है तुझ पे, जो तेरा सगा है उसी ने तुझे ठगा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बाबा, बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा, आप ही हमारे पालनहार हैं, हमें आप पर पूरा भरोसा है, अब हमारी जिंदगी की नैया आप ही के भरोसे पार निकलेगी बाबा, बाबा बस हमें एकदम मुक्के जमा दो ना बाबा। मालिके, मरे हुए को हम हरगिज नहीं मारते, बल्कि हम उन हालात को मारते हैं जो तुम्हें मारते हैं। अच्छा अच्छा ये देखिए, इसके अंदर है एक चमत्कारी बिच्छू, ये जिसको काटेगा तो समझ लेना कि वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है, बस तुम इससे दूर ही रहना। वैसे बाबा, इस डब्बे में का असली में बिच्छू है? बिच्छू असली भी है और चमत्कारी भी, हम स्वयं हिमालय के पर्वत से इसे पकड़ कर लाए हैं यहाँ। अच्छा, तो बाबा बताइए ना, अब हमें क्या करना है इस बिच्छू से, इसका क्या करें बताइए। तुम्हारा सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन घर के बाहर बैठा हुआ है, सबसे पहले घर के बाहर के दुश्मन को खत्म करो। लेकिन बाबा, घर के बाहर तो सारी दुनिया है, हमारा मायका है, हमारा ससुराल है, मोहल्ले वाले हैं, वो ससुरी प्रभा, सुवरी सुवरी, वो हमारी पड़ोसन है ना समधन प्रभा, वो बड़ी 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 गलत है, वो भी तो घर के बाहर ही है ना, तो फिर अब क्या करें बाबा। मायका हो या ससुराल, ये बिच्छू करेगा अपना कमाल। क्या है ना, वो बिंदु के घर तो हम जाएंगे नहीं, वो जो ससुरी है ना, जब देखो हमारे घर ही डटी रहती है तो कौनो फायदा नहीं है, हमें लगता है हमें अपने मायके ही चले जाना चाहिए, वहां पर तो अरे बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है बाबा, बिल्कुल सही, सिया भाभी है ना, वो ही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पनौती है, हम अपने मायके ही जाएंगे। तो बालिके, अपनी शुरुआत अपनी जन्म भूमि से ही करो। परी हाँ? देखो अभी तुम अंदर जाओ, ठीक है? भैया अंदर ही है, मुझे ऑफिस जाना किसी जरूरी काम से, मैं लेट हो रहा हूँ, तुम सब संभाल लोगे ना? तुम्हारी ना हम कुछ भी करेंगे व्योम। अच्छा सुनो, अंदर जाने से पहले दो तीन बातों का जरूर ध्यान रखना, पहली तो ये कि भैया से ना बहुत सॉफ्टली बात करना, उन्हें ऊंची आवाज में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है। दूसरी, उन्हें ना मत कहना, क्योंकि ना सुनना पसंद नहीं है, तो वो जो कुछ भी बोले ना तो उन्हें प्लीज ना मत कहना। हाँ, वो क्या है ना, अपने आप को राजा समझते हैं, हाँ, और पैदाइशी रही से तो जो चाहते हैं वो पा लेते हैं, समझ रही हो ना तुम? नो वरीज व्योम, वो जो कहेंगे ना हम बस वही करेंगे, बस प्रॉब्लम ये है कि हम उन्हें पसंद आने चाहिए, पर उन्होंने हाँ कह दिया तो उसके बाद हमारी ना कहने की तो जरूरत ही नहीं है, ऐसे वो हमें लाइक तो कर ही लेंगे, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड में ना हम वन पीस है। सच में एक ही पीस उतरा है ऊपर से, वैसे मेरा काम तो हो गया, तीर एकदम निशाने पे लगाया। अब यहाँ खड़े होकर टाइम पास क्या कर रहे हो, जाओ ऑफिस जाओ, काम करो, हम अंदर संभाल लेंगे, ठीक है? अरे वैसे भी तुम्हें तो पता ही है कि हम सबके फ्यूचर का सवाल है, है ना? हाँ। तो अभी तुम जाओ, एंड हाँ, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। हेलो, हाँ टारगेट आ चुका है, अभी मेकअप कर रही है, थोड़ी देर में अंदर आने वाला है, रेडी। छोटे मामा, मम्मी, छोटे मम्मी, मामा, अरे कहाँ रह गए थे तुम? हाँ, और कौन सी मुगली आजम बन रही है? हाँ, कितना टाइम लगा रही हो? अरे मम्मी आप टेंशन मत लो, मैंने कहा ना वो मेकअप में लगी हुई, आ जाएगी वो। इसके मेकअप की तो छोटे
ये लोग कहाँ हैं? गए कहाँ हैं? मकड़ी मामा, छोटे, लोग बिना बताए चले गए, हमको बताया भी नहीं। मम्मी, ऐसे कैसे चले गए और बिना बताए चले गए हमको? आने दो, फिर बताएंगे। ये तो बावरा बना घूम रहा है। ए बकड़ी, तुम दवाई ठीक से और टाइम से तो दिए हो ना? अरे जीजी दिए थे, और इस सवाल का जवाब हम आपको पहले भी 32 बार दे चुके हैं। क्या बोला? नहीं मतलब आप पूछते हैं तो हम आपको बता देते हैं। छोटे और मकड़ी, वो बंदूक तो ठिकाने लगा दिए हो ना? बंदूक? हाँ बंदूक। अरे जीजी, वो तो हम गलती से फिर से भूल गए। क्या हुआ? गरम लगा ना? गलती से हम भी रसीद दिए? और अगर गलती से सुजीर ने वो बंदूक उठा के उस लड़की पर तान दी, तो फिर वो लड़की तो गई चूल्हे में और साथ में गया हमारा सपना। लेकिन एक बात हम बता देते हैं मकड़ी, तुमको तो इतना जमीन के अंदर गाड़ेंगे कि तुम्हारी सात पुश्ते भी नहीं खोद के निकाल पाएंगी। तुम कहाँ हाँ हाँ कर रहे हो, तुमको भी साथ में गाड़ेंगे। अच्छा, फाड़ में गया हमारा सपना। हम बता रहे हैं बाबा, हमारे साथ इन दिनों बहुत बुरा बुरा हो रहा है। पहले जो हमारे मायके वाले लोग थे ना, वो हमारा बहुत साथ देते थे, लेकिन अब जो है ना, सारा मामला ही डावाडोल हो गया है। सच बता रहे हैं, हम कहाँ हैं भाई और बहनो, हमारे जो सगे थे ना, वो ही हमारे साथ चले हो गए। बाबा बस आप तो इस बिच्छू को बता दो कि कब कैसे कहाँ और किसको काटना है। और एक बात बालिके, ये बिच्छू किसको काटेगा तो समझ लेना कि वो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पुनौती। तुम उस पुनौती को पकड़कर हमारे पास लाना, हम उसे अपने वश में करेंगे और तुम्हें तुम्हारी सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी बालिके। जय चोलू बाबा की जय। जय बाबा की। अच्छा बाबा, हम चलते हैं। रुक जाओ बालिके, रुक जाओ। दान दक्षिणा नहीं दोगी? दान दक्षिणा के लायक तो हमारे पास कछु है नहीं बाबा। बालिके बालिके, स्त्री बहुत महान होती है बालिके, जरा अच्छी तरह से देखो, कुछ ना कुछ तो होगा ना। अच्छी तरह से देख लिया, कुछ नहीं कुछ नहीं। बालिके अगर दान नहीं दिया तो ये बिच्छू बावला हो जाएगा और किसी को नहीं काटेगा, इसलिए जिसकी जितनी आस्था होती है उसी के हिसाब से उसको उसका फल देता है ये बिच्छू। अच्छा, सोचो मत, उतार दो, सोचो मत, उतार दो अपने हाथों की ये कंगन, ये तुम्हारे जीवन का सवाल है बालिके, उतार दो, तोड़ दो ये मोहमाया बंधन, तोड़ दो, उतार दो बालिके। उतार रहे हैं बाबा जी। इलो। अच्छा अब हम चलते हैं बाबा। ये चमत्कारी बिच्छू जरूर मदद करेगा बालिके, जरूर। मार्केट में जाके पता करना ये सोने का रेट चल क्या रहा है। झोलू बाबा की जय। झोलू बाबा की जय। झोलू बाबा की जय। देखो
हम तुमसे आखिरी बार कह रहे हैं, अब और ये बर्दाश्त नहीं होगा। अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। मैनेजर साहब, आपको पहले भी बता चुके हैं, आप अपने काम से काम रखिए ना, हमें भी रोज रोज आपके हाथ उठाना अच्छा नहीं लगता। देखो ये हाथ उठाने वाली बात तो किसी और से कहना, अब हम नहीं डरते तुमसे। अच्छा चलो उठो यहाँ से। अशोक बाबू जी। अरे आप कहिए। ऊपर से ऑर्डर है कैंटीन बंद करने के लिए, इसलिए आज हम यहाँ पर आपकी ये कैंटीन सील करने आए हैं, समझे आप? वैसे भी हमारे सीनियर ऑफिसर आए थे आपकी कैंटीन में एक हफ्ता पहले, एक हफ्ते की वार्निंग देके गए थे, लगता है आपके कान में जूं तक भी नहीं रहेगा। नहीं ऐसी बात नहीं है, देखिए मैं मैडम से पहले भी कह चुका हूँ, मैडम इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है। प्लीज हम आपसे बहस करने नहीं आए आज यहाँ पर, चलो सब इनको बाहर निकालो यहाँ से और सील करो जल्दी। अरे 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 एक मिनट रुकिए, देखिए मैडम ऐसा मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ये कैंटीन हमारी रोजी रोटी है, इसको प्लीज आप बंद मत कीजिए, इसको बंद कर दिया तो हम क्या करेंगे? देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, हम इसे भगाने ही वाले थे, देखिए अभी हम भगाते हैं इनको। ए भागो यहाँ से। अच्छा भगा रहे थे जी? अशोक बाबू अगर आप इनको भगाना चाहते ना तो अब तक भगा चुके होते। चलो आप लोग निकालो सबको बाहर। अरे निकालो मैडम। चलो मैं अरे मेरी बात सुनो। निकालो निकालो। अरे अरे चलो चलिए बाहर। चलो चलो तो मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा था। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे मत करो ऐसा, मत करो। देखो एक मिनट मेरे को बात तो करने दीजिए। देखिए मैडम ऐसा मत कीजिए, ये कैंटीन मेरी रोजी रोटी है। अब कुछ नहीं हो सकता, हम इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, ऑर्डर है हम बस वही फॉलो कर रहे हैं, चलो जल्दी करो। मैडम मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैंने इस कैंटीन को आज तक बड़ी ईमानदारी से चलाया है, कुछ तो भरोसा कीजिए, अगर आपने ये कैंटीन ही बंद कर दी तो मैं अपने परिवार वालों को क्या खिलाऊंगा। रोको यार जरा रोको, एक मिनट क्या कर रहे हो? अब अगर आपको बात करनी ही है तो आप गार्ड से कीजिए, क्योंकि वही आपकी मदद कर सकते हैं, और सुना है कि वो तो आपके साले साहब भी। माफ कीजिएगा, देखिए मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन आज तक मैंने उनसे कभी मदद नहीं मांगी और ना ही अब मांगूंगा। अच्छा इतने खुददार हैं आप, तो ठीक है लड़िए अपनी लड़ाई खुद, चलिए चलो यहाँ से सब चलो। अबे यार अमित कहाँ है बे? अबे यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, पुलिस ने कैंटीन को सील कर दिया है। अच्छा सुन मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है? चल ठीक है। आप हमें मानना चाहते हैं ना? ठीक है आपके हाथों से मरना हमें मंजूर है, मारिए हमें मारिए। आप इतने अच्छे, अगर आपके हाथों से मरेंगे ना तो हम सीधा हेवंस जाएंगे, जानते हैं हम। चलाइए गोली, मारिए हमें, मार दीजिए। I'm sorry. अच्छा ठीक है, अगर आपका सॉरी तो हमारा भी सॉरी। एक बात कहे? प्लीज इफ यू डोंट हैव अ माइंड। बोले आप जब हंसते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी स्माइल्स बहुत ब्यूटीफुल है। थैंक यू, लेकिन हमने आपको पहचाना नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है कि हमने आपको कहीं देखा है लेकिन याद नहीं आ। हाँ हम मिले हैं पर ठीक से मिल नहीं पाए, वो क्या है ना हम आपकी मम्मी के की फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स। मम्मी की फ्रेंड? पर आपकी उम्र तो काफी कम है मम्मी से। आपने ठीक से सुना नहीं, हमने कहा हम आपकी मम्मी की फ्रेंड्स की बेटी हैं। लेकिन हम तो मम्मी की सारी फ्रेंड्स से मिले हुए और उनके बच्चों से भी मिले, लेकिन आपके बारे में तो हमने कभी सुना नहीं। वैसे बेटा तुम हमारी सहेली का नाम बताए हो ना, का नाम दिए हो? विमला, शिमला, निर्मला का? उत्तरी, ये तो शेक्सपियर हो गया। नहीं मेरा मतलब है कि मम्मी
काम वाम के बारे में तो मैंने सोचा नहीं। एक लगाएंगे तुमको दुकान के नीचे, तुमको क्या लगता है मकड़ी को पीट सकते, तुमको नहीं पीट सकते, एक काम ढंग से नहीं कर सकते हो। गाड़ी के लिए तो इतना बड़ा मुंह फाड़ा था। बस 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 भैया नहीं रोक दो, जय झोलू बाबा की। त्र्यंबकम यजाम है सुगंधित। अम्मा, ओ अम्मा। हाँ बैठ बैठ, कितने दिन बाद आई। अरे क्या बात कर रही हो अम्मा, अभी कल रात ही तो आए थे, भूल गई का? ओ हमार सर बड़ा चकरा रहा है। ओहो, ये खुशिया की भाई आंख फड़क रही है सुबह से, और मुंह तो ऐसा बना है जैसे ऊपर ही सरक गया हमार, तो सर हम दवाई लेके आते हैं। हाँ 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 दवाई लेके आओ।